वेलकम बैक अवर स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट हिंदी. डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अवर न्यू टॉपिक, दैट इज अ जॉइंट वर्ड, संयुक्त शब्द. पाठ का नाम है जुड़े हम. पाठ का नाम क्या है? जुड़े हम. यहाँ पर कुछ जोड़ाक्षरों की हमें पहचान कराई गई है. जोड़ाक्षर जैसे पाई हटाकर जुड़े हम. पाई हटाकर जुड़े हम. पाई हटाकर यानी यह पाई. अक्षरों को जब जोड़ा जाता है तो यह अगर पाई हटाई जाए तो यह जोड़ शब्द बनता है. तो ऐसे कौन कौन से शब्द है, चलो देखते हैं. पहला शब्द है ग्वाला. पहला शब्द है ग्वाला. देखो यहां पर ग की पाई हटाई गई है. यहां पर ग, यह जो ग्वाला शब्द बना है उसकी पाई हटाकर ग्वाला शब्द बनाया गया है. दूसरा शब्द है पुष्प. पुष्प में, इस शब्द में कौन से अक्षर की पाई हटाई गई है? श की. इस पुष्प शब्द में जो श है उसकी पाई हटाकर प को जोड़ा गया है, यानी शब्द हुआ पुष्प. आगे है गुच्छा. गुच्छा इस शब्द में च की पाई हटाई गई है तो जोड़ शब्द बना हमारा गुच्छा. आगे है डिब्बा. देखो एक ब की पाई हटाकर शब्द हुआ डिब्बा. ये है चप्पल. चप्पल प की पाई हटाई गई है, एक प की पाई हटाकर दूसरे प से जोड़ा गया है चप्पल. पत्थर. आगे है पत्थर. तो ऐसे कई शब्द है जिसे हम पाई हटाकर लिख सकते हैं. इसका अभ्यास हमें करना है, इसे हमें पढ़ना है और लिखना भी है. लिखते समय इसका उच्चारण हमें करना है. ऐसे यह कई शब्द है जो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो पाई हटाकर बनाए गए हैं. तो उसके बाद देखते हैं हलंत लगाकर जुड़े हम. हलंत लगाकर जुड़े हम. हलंत यानी नीचे, अक्षर के नीचे एक चिन्ह लगाया जाता है हल की तरह से, जिसका आकार खेत में चलाए हल की तरह होता है. हलंत लगाकर, देखो यह हलंत लगाकर कुछ शब्द बने हुए हैं. वह है हलंत लगाकर, चलो देखते हैं. इसमें पहला है सिद्धू. सिद्धू द को, द के नीचे हलंत लगाया गया है. सिद्धू इस शब्द में द के नीचे हलंत लगाया गया है. दूसरा है द्वार. द्वार द के नीचे हलंत लगाया है. लड्डू. लड्डू देखो ड, जो पहला ड आया है उसके नीचे हलंत लगाया हुआ है लड्डू. आगे है खट्टा. कहां पर हलंत लगाया हमने? पहले ट को ट जोड़ा हुआ है इसलिए पहले ट के नीचे हलंत लगाया गया है. यह हुआ जोड़ाक्षर खट्टा, जोड़ शब्द खट्टा. बाह्य और वांग्मय. देखो ऐसे कई शब्द है जिसे हम हलंत लगाकर लिख सकते हैं, जैसे भुट्टा, कद्दू. देखो यहां पर जो शब्द है वह हमने हलंत लगाकर लिखे हैं. इसका अभ्यास हमें करना है. इन शब्दों को आपको
सही ढंग से सही उच्चारण के साथ पढ़ना है और लिखना है। देखो यहाँ पर पेज नंबर 33 पर कुछ मुख वाचन करने के लिए अनुलेखन दिया गया है। यहाँ पर कुछ मुखर वाचन करने के लिए अनुलेखन दिया गया है, उसे हमें पढ़ना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। तो कौन कौन से शब्द है, वह कुछ शब्द है, कौन कौन से शब्द है वह देखो, सोआ, मेथी, पालक, चौलाई, बैंगन, कुम्हड़ा, लहसुन, प्याज, गाजर, मूली, यह सारी हरी सब्जियां है। यह हरी सब्जियां है। यहाँ पर कुछ नीचे सब्जियों के नाम के अनुसार वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों को हमें दोहराना है और लिखना है। क्या है यह वाक्य? ककड़ी, मटर, आलू लाओ, लाल टमाटर को मित्र बनाओ। ककड़ी, मटर, आलू लाओ, लाल टमाटर को मित्र बनाओ। चकुंदर, भुट्टा, कद्दू खाओ, चकुंदर, भुट्टा, कद्दू खाओ, हर बीमारी को दूर भगाओ। कुछ ऐसे वाक्य दिए हैं। देखो जो सब्जियों के नाम हमने यहाँ पर पढ़े हैं, आपके लिए आपकी कॉपी में एक उपक्रम बनाना है। इन सब्जियों के नाम लिखने के साथ साथ इन सब्जियों के चित्र भी आपको ड्रॉ करने हैं, चित्र निकालना है और उन्हें उचित रंग भरना है। आपने सब्जियां तो देखी है, चित्र में देखी है, अपने घर पर भी देखी है, तो ऐसी सब्जियों के चित्र आपको आपकी नोटबुक में निकालने हैं और उन्हें उचित यानी सही नाम देना है, उचित रंग भरना है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने यह जुड़े हम इस पाठ में यह कुछ पाई हटाकर शब्द और हलंत लगाकर शब्दों की जानकारी हासिल की। आपकी टेक्स्ट बुक में, आपकी पुस्तक में ऐसे कई शब्द आए हैं, ऐसे 20 शब्द आपको ढूंढकर लिखने हैं, पाई हटाकर आए हुए शब्द और हलंत लगाकर आए हुए शब्द।